पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या क्या सामान मिलता है आपको रिटेल पैकेज में। R17 प्रो आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा कलर है इस बॉक्स का, ऑलमोस्ट जिसका रेडिएंट मिस्ट वेरिएंट आता है वैसा सा ही इसको आपको कलर मिलता है बॉक्स पे। यहाँ देख सकते हैं आप, 8GB की रैम के साथ आता है, 128GB आपको स्टोरेज मिलती है, सुपर वूप फ्लैश चार्ज सपोर्ट करता है जो कि 50W चार्जिंग है, 5A और 10V की चार्जिंग है, फास्टेस्ट स्टैंडर्ड है स्मार्टफोन्स में अगर चार्जिंग की बात करूँ तो मैं। तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है पहले, फिर हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। तो जो पहली चीज़ है वो है फ़ोन, और यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा, काफ़ी हल्का और कॉम्पैक्ट फ़ोन फील होता है ये। पीछे की साइड आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, ये रेडिएंट मिस्ट वेरिएंट है और R17 जैसे लिखा है कलर्स में ऑलमोस्ट सिमिलर सा कलर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फटाफट से चीज़ें चेक कर लेते हैं जो आपको मिलती है बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको मिलता है सिम इजेक्टर पेन और कुछ मैनुअल्स जो कि इंफॉर्मेशन गाइड है, साथ में क्विक गाइड है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा ब्लूइश कलर के साथ एक क्लियर केस मिलता है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा ये, शायद आपका डिवाइस का लुक एंड फील ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। फिर आपको मिलता है ये सुपर वूक फ्लैश चार्ज जो कि 5A 10V चार्जिंग सपोर्ट करता है, 50W का चार्जर है, तो इसको भी हम कंपेयर करेंगे सारे फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड से, पर ये एक बहुत ही फास्ट चार्जिंग आपको देगा। फिर आपको मिलते हैं ईयरफोन्स जो आप देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग है, एप्पल जैसे आपने देखे होंगे सिमिलर से दिखने वाले हैं, और अगर इनको मैं बाहर निकाल लूँ तो, और टाइप सी ईयरफोन्स है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। फाइनली आपको मिलती है ये केबल जो कि थोड़ी सी स्पेशल केबल रहेगी, क्योंकि सारी केबल्स आपका 50W चार्जिंग सपोर्ट नहीं कर पाती, तो अगेन आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको कंपनी ने दी है। तो काफ़ी और भी फीचर्स हैं इसमें, हम उसके बारे में बात करते हैं, फ़ोन को सेटअप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारे फीचर्स जो ये ऑफर करता है। तो ये रहा ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो R17 प्रो। अब अगर हम पहले बात करें इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो जो इसकी इनहैंड फील है वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पे आपको स्पेशली 3D मिस्टेड ग्लास बैक मिलता है, आप देख सकते हैं ग्लास बैक है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कलर है ये, रेडिएंट मिस्ट नाम से आता है ये कलर, जिसमें आप पर्पल से ब्लू का ट्रांजिशन देख सकते हैं यहाँ पे। अब पीछे आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। राइट साइड में आपको मिलता है पावर बटन, ऊपर की साइड आपको आप अगेन देख सकते हैं डिफरेंट कलर शेड्स मिलते हैं पर्पल और ब्लू के। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम रॉकर है, नीचे की साइड आपको मिलता है USB टाइप सी पोर्ट और सिम कार्ड ट्रे। ओवरऑल फ़ोन देखने में काफ़ी सुंदर है, आपको यहाँ पे ड्यू ड्रॉप जो ये नॉच के साथ डिस्प्ले मिलता है, 6.4 इंच का डिस्प्ले है, ऑलमोस्ट बेजलेस एक्सपीरियंस आपको मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा है, इन हैंड फील भी इसकी काफ़ी प्यारी और काफ़ी अच्छी है, और देखने में भी बहुत ही स्टाइलिश और प्रीमियम डिवाइस लगता है। ये 3D मिस्टेड ग्लास बैक जो कंपनी ने दिया है, ये देखने में साथ में इन हैंड फील इसकी अच्छी है, और फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे अट्रैक्ट जरूर करता है पर इतने ज़्यादा विजिबल नहीं रहते। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पे, तो ये 6.4 इंच का डिस्प्ले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंप्रेसिव व्यूइंग एंगल्स और ब्राइटनेस लेवल आपको देखने को मिलता है, और आप साथ ही में यहाँ पे आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन, और आप देख सकते हैं उसके बावजूद कंपनी ने एक एडिशनल स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी प्री अप्लाइड दिया है इस डिवाइस में। अब इस डिस्प्ले पे आप आराम से मूवीज देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिलता है। फॉर्म फैक्टर भी इसका 6.4 इंच के डिस्प्ले के हिसाब से छोटा है, क्योंकि कम बेजल साइज आपको यहाँ पे मिलता है, तो चाहे आप वीडियोस देखें, मूवीज देखें या गेम्स खेलें, आपको ये एक डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बात करें इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर, साथ में 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज। एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे आप स्टोरेज पर, 128GB बहुत है किसी भी जने के लिए, काफ़ी जनों के लिए आप काफ़ी सारा डेटा रख सकते हैं, गेम्स रख सकते हैं, मूवीज वीडियोज इसमें रख सकते हैं। अब एंटूटू बेंचमार्क में स्कोर करता है 156,000, जो कि एक इंटरेस्टिंग स्कोर है, क्योंकि मैं कहूँगा यार इस डिवाइस को कंपनी एक एज अ फ्लैगशिप निकाल रही है, तो प्रोसेसर 710 परफॉर्मेंस में अच्छा है, पर थोड़ा और बेटर हो सकता था अगर इस प्राइस में देखें तो, आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर कंपनीज बाकी देती हैं। यहाँ पे अगर हम माई डिवाइस में जाएं तो आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 8.1 पे रन होता है, साथ में आपको कलर ओएस यहाँ पे मिलेगा, 8GB की रैम है इसमें और 128GB की स्टोरेज है, तो मल्टीटास्किंग में तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के बाद अगर हम सेंसर्स की बात करें, तो आपको लगभग सारे सेंसर्स यहाँ मिलते हैं, चाहे वो जायरोस्कोप हो, एक्सेलरेशन हो, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो, स्टेप काउंटर, स्टेप डिटेक्टर एक्सेट्रा हो, मल्टीटास्किंग में हमें कोई दिक्कत नहीं आई इस डिवाइस पर, आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन एक साथ रन कर सकते हैं। जब बात आती है गेमिंग की,
तो 710 गेम्स हैंडल कर लेता है फोर्ट नाइन और पबजी मोबाइल जैसे, और आप पबजी मोबाइल का गेम प्ले अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं। पबजी मोबाइल में आपके पास जो सेटिंग्स अवेलेबल रहती हैं वो रहती हैं HD और हाई पे, और स्मूथ में जाए तो अल्ट्रा सेटिंग जरूर मिल जाती है। तो जो मैक्सिमम सेटिंग्स हैं वो HD और हाई मिलती हैं आपको, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है स्मूथ एक्सट्रीम भी मिलती है आपको बिल्कुल टॉप फ्लैगशिप डिवाइसेस में। तो हम इसी सेटिंग्स पे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स कैसे आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो गेम इस पे हम अच्छे से गेमिंग टेस्ट करके एक अलग से चलाएंगे, पर अभी जो ट्रेनिंग मोड में हम चला रहे हैं गेम को, तो अभी तो सही लग रहा है गेम, हमें कोई सच दिक्कत यहाँ पे लग नहीं रही है, ग्राफिक्स अच्छे हैं। और अगर इसको आधा एक घंटा टेस्ट करेंगे तो आइडिया लगेगा बहुत, पर हाँ पबजी मोबाइल और एसफॉल नाइन जैसे गेम 710 चिपसेट 8GB की रैम के साथ हैंडल कर लेगा। और आपको सेटिंग्स हमने दिखाई दी आपको क्या मिलेंगी, हाई सेटिंग्स में आप इसको रन कर पाएंगे HD सेटिंग्स में। तो चलते हैं अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है यहाँ पे कलर OS 8.1 एंड्रॉयड के ऊपर जो बेस्ड है, कुछ प्रीलोडेड एप्लीकेशन यहाँ पे आपको जरूर मिलती है जैसे डेली हंट, ओ रोमिंग, फेसबुक, गेम स्पेस एक्सेट्रा। और अगर आपको कलर वाइज पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा, स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको यूज़ टू होने में, तो वो डिपेंड करता है आपको कस्टम यूआई पसंद आते हैं या नहीं। अब आ जाते हैं इसके मेन हाईलाइट पे जो कि है कैमराज। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जिसमें आपको मिलता है AI टेक्नोलॉजी अनेबल्ड कैमरा है ये, साथ ही में आपको मिलता है बैक में यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप। अब यहाँ पे आपको जो एक कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का F1.5 से F2.4 वेरिएबल अपर्चर के साथ आता है, दूसरा 20 मेगापिक्सल का F2.6 कैमरा है, LED फ्लैश भी पीछे की साइड आपको दी है कंपनी ने। तो यहाँ पे आपका कैमरा इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखता है। जो थर्ड कैमरा है वो एक्चुअली में TOF 3D कैमरा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद थोड़े टाइम बाद आएगी और आप 3D फोटोज इस डिवाइस से डायरेक्टली कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग PI कलर मोड मिलता है जो कि प्योर इमेज कलर मोड है, जिसको यूज करके आप बेटर कलर्स ले सकते हैं। AI इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे मिलती ही है, तो आप सेल्फीज के लिए और नॉर्मल मोड्स के लिए AI इंटीग्रेशन ऑन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट भी इसका AI यहाँ पे वर्क करती है और ये ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करता है काफी सारे। तो अगर मैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट लाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं नेचुरल मैक्रो लेंस ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहता है। सेम आपको यहाँ पे जो वेरिएबल अपर्चर है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके वेरिएबल अपर्चर में शिफ्ट करता रहे। डिटेल्स काफी अच्छी थी, ब्यूटी मोड, विदाउट ब्यूटी मोड सारे टेस्ट किए हमने। उसके बाद जो बैक कैमरा उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं अगेन क्वालिटी काफी इंप्रेसिव लगी हमें, तो इमेजेस अच्छी आ रही है बैक कैमरा से भी। पोर्ट्रेट मोड्स भी अच्छे हैं आपको यहाँ पे कैमरास मिलते हैं। तो जो मेरे ख्याल से जो थर्ड कैमरा है उसको कंपनी इसलिए भी यूज़ कर रही है डेप्थ सेंसिंग के लिए, पर अगेन इसका जो मेन रियलिस्टिक 3D वाले फीचर्स हैं वो भी थोड़े टाइम में रोल आउट होंगे। तो कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो ठीक वर्क कर रही है इस डिवाइस पे, इनफैक्ट अच्छा वर्क कर रही है, इसके बारे में हम और बात करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। पर अब आ जाते हैं इसके बाकी फीचर्स में जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है स्मार्टफोन की। पहली चीज़ है वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो इस एरिया में है, अगर आप प्रेस करेंगे फटाफट आपका डिवाइस अनलॉक कर देगा, साथ में फेस अनलॉक भी अवेलेबल है। मैं कोशिश करता हूँ वो दिखा सकूँ, देखिए फास्ट है चाहे मैं कैमरे के पीछे हूँ, और दोनों ही वर्क करते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी भी वर्क कर रही है, फेस अनलॉक भी वर्क कर रहा है, और दोनों काफ़ी ठीक वर्क कर रहे हैं जैसा हमने बताया। पर इन डिस्प्ले एक ऐसी चीज़ है वो काफ़ी लिमिटेड डिवाइसेज में अभी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी बैटरी पे। तो कंपनी ने यहाँ पे आपको दी है 2 1850 mAh की बैटरी और साथ ही में सुपर वूक फ्लैश चार्ज जो सिर्फ 10 मिनट में 40% बैटरी आपको चार्ज करके दे देता है। जी हाँ, ये सबसे फास्टेस्ट स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में, इससे फास्ट चार्जिंग आपको कोई स्मार्टफोन नहीं दे पाएगा अभी, और इसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे थोड़े टाइम बाद। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको बहुत ही अच्छी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मिलती है, एक अच्छा इंप्रेसिव डिस्प्ले मिलता है, कैमरास भी अच्छे हैं, फास्टेस्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड भी यहाँ पे मिलता है, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर भी मिलता है। प्रोसेसर एक ऐसी चीज़ है जो 710 है यहाँ पे, तो अगर आपको गेम्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है तो मे बी आप इस डिवाइस की तरफ देख सकते हैं, इसके डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, कैमरास और वूक सुपर वूक फ्लैश चार्जिंग के लिए। पर अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी चाहिए तो आपके पास बाकी फ्लैगशिप ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कहां पर ये स्टैंड करता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।